Hello everyone my name is Rashmi Samant and today I will discuss about the topic hypertension definition hypertension or high blood pressure is a chronic disease characterized by elevation of blood pressure हाइपरटेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर एक क्रोनिक डिजीज़ होती है जिसको हम लोग करेक्टरसाइज करते हैं कि जो हमारे ब्लड का प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है इस कंडीशन में ब्लड प्रेशर इज़ डिफाइंड एज द प्रेशर एग्जर्टेड बाय ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरीज। अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें तो उसको हम डिफाइन करेंगे कि ऐसा प्रेशर जो कि ब्लड के थ्रू लगाया जाता है आर्टरीज की वॉल पे उसको हम लोग ब्लड प्रेशर बोलते हैं हाइपर टेंशन इज ए कंडीशन इन विच द फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट द आर्टरी वॉल इज़ टू हाई हाइपर टेंशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो ब्लड के थ्रू फोर्स लगाया जाता है आर्टरीज की वॉल पे वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेंज होता है वो है वन ट्वेंटी टू एट्टी एम एम एच जी टाइप्स ऑफ हाइपर टेंशन हाइपर टेंशन बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन प्राइमरी हाइपरटेंशन में 90 टू 95 फाइव केसेस में देखा गया है कि जो हाइपरटेंशन होता है वो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है ये बेसिकली जो हमारा डेली लाइफ रूटीन होता है उसमें डिस्टरबेंस की वजह से होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है वो किसी पर्टिकुलर डिज़ीज़ की वजह से होता है फॉर एग्जाम्पल अगर ट्यूमर है या रीनल एंड्रोक्राइन या कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में कोई भी डिसऑर्डर होता है तो उस वजह से जब हमारा ब्लड प्रेशर राइज़ होता है तो उसे हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलते हैं हाइपरटेंशन क्राइसिस हाइपरटेंशन क्राइसिस एक सीवियर कंडीशन होती है जिसमें जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है कि वो हार्ट स्ट्रोक कॉज कर देता है हार्ट स्ट्रोक का मतलब होता है हार्ट अटैक प्रॉपर वे में अगर हार्ट में ब्लड का सप्लाई नहीं पहुंच पाता है किसी भी रीज़न की वजह से तो हमें हार्ट स्ट्रोक हो जाता है तो इन द केस ऑफ़ हाइपर टेंशन क्राइसिस जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर होने की वजह से डैमेज हो जाती हैं जिसका जो रेशियो होता है वो होता है वन एटी टू वन ट्वेंटी एम एम एच जी या फिर उससे भी ज़्यादा रेंज अगर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है तो जो ब्लड वेसल्स ब्लड को कैरी करके हर्ट तक ले जाती हैं वो डैमेज हो जाती हैं और हर्ट स्ट्रोक की कंडीशन आ जाती है ईटियोलॉजी हाइपर टेंशन अकर ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ वन एंड मैनी सिस्टम ऑफ द बॉडी हाइपर टेंशन जो होता है वो अगर हमारे किसी भी एक पर्टिकुलर सिस्टम में या फिर बहुत सारे सिस्टम में अगर प्रॉब्लम एराइज़ हो जाएगी तो उस वजह से अगर हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूरोलॉजिकल अगर कंडीशन होती है अगर बॉडी में एक्यूट स्ट्रेस कंडीशन है या फिर स्लीप एपनिया डिसऑर्डर हो रखा है या इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज है या साइकोजेनिक कंडीशन है साइकोजेनिक इज रिलेटेड टू ब्रेन तो अगर ये सारे सिम्टम्स हैं तो भी हमारे ब्लड का जो प्रेशर होता है वो हाई हो जाता है या तो अगर कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स हैं मतलब कि कार्डिक आउटपुट अगर इंक्रीज है या एरोटा में रिजिडिटी कंडीशन हो रही है तो भी जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो राइज हो जाता है रीनल डिसऑर्डर अगर हो रखे हैं एक्यूट ग्लोमरोन एफ्राइटिस कंडीशन हो रखी है मतलब जो हमारा ग्रोमलाई है उसमें इन्फ्लामेशन हुआ है या फिर क्रोनिक रीनल डिजीज़ हो रखी है जो रीनल मतलब जो किडनी है वो प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं कर पा रही है रीनल आर्ट्री स्टोनोसिस कंडीशन हो रखी है हमारी जो भी आर्ट्री जो होती है वो किडनी में ब्लड को लेके जाती है अगर उसमें किसी भी तरीके का कोई ब्लॉकेज या इन्फ्लामेशन कॉज हो रखा है तो एंडोक्राइन डिसऑर्डर अगर हुए हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हमें हाइपोथराडिज़म या हाइपर थायरॉडिज़म या एडिनोकॉर्टिकोल हाइपर फंक्शन हो रखा है तो अगर ये सारे सिम्टम्स भी हो रखे हैं तो हमारे जो बॉडी होती है उसमें जो ब्लड का प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है जिस वजह से हाइपर टेंशन कॉज हो जाता है साइन एंड सिम्टम्स इन द केस ऑफ हाइपर टेंशन चेस्ट पेन होने लगता है इरेगुलर हार्ट बीट हो जाती है मतलब कार्डिक एरिथमिया कंडीशन हो जाती है कन्फ्यूजन विजन प्रॉब्लम और नोज ब्लीड कंडीशन हो जाती है पैथोजेनेसिस हाइपर टेंशन ड्यू टू नेट्रो यूरिटिक फैक्टर एंड वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन जो हाइपर टेंशन होता है वो बेसिकली नेट्रो यूरिटिक फैक्टर की वजह से हो जाता है या फिर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन अगर कंडीशन हो जाती है उस रीजन से भी हो जाता है तो जो नेट्रो यूरिटिक फैक्टर होता है बेसिकली वो तब सिक्रीट होते हैं जब जो सॉल्ट होता है वो प्रॉपर वे में एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा होता है तो जो किडनी होती है वो प्रॉपर वे में जब सोडियम का एक्सक्रीशन नहीं कर पाती है तो उस वजह से टोटल पेरीफिलर रजिस्टेंट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कंडीशन तब एराइज होती है जब जो रेनिन एंजोटेंसन सिस्टम होता है हमारा उसका बेसिक फंक्शन होता है कि जब बॉडी में ब्लड वॉल्यूम या ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो रेनिन एंजोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वो जाके ब्लड प्रेशर को राइज कर देता है तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कंडीशन में जब रेनिन एंजोटेंसिन सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाएगी तो वो ब्लड प्रेशर को बहुत ही ज़्यादा राइज कर देगी जिस वजह से हाइपर कंडीशन हो जाएगी तो नेट्रो फैक्टर की और कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से जो हमारी आर्टरी वॉल होती है उसमें ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो जाता है और उस वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और हमें हाइपर कंडीशन कॉज हो जाती है डायग्नोसिस इन द डायग्नोसिस ऑफ हाइपर हम लोग स्पेग्मोमैनोमीटर यूज करते हैं बेसिकली जो आर्टियल ब्लड प्रेशर होता है उसको चेक करने के लिए इसमें एक मर्क्री कॉलम होता है जो कि जो सर्कुलेटरी प्रेशर होता है उसकी वजह से रिफ्लेक्ट होता है और वो मिलीमीटर मरकरी में जो भी प्रेशर होता है उसको शो करता है तो जो एक साल तक के जो चाइल्ड होते हैं उसमें 95 फाइव टू सिक्सटी फाइव एम एम एच जी का ब्लड प्रेशर होता है देखा गया है जो दो साल तक के बच्चे होते हैं उनका जो ब्लड प्रेशर देखा गया है वो है हंड्रेड टू सिक्सटी फाइव एम एम एच जी जो एडल्ट होते हैं उनका ब्लड प्रेशर रेशियो वन हंड्रेड टेन से सिक्सटी फाइव से वन फोर्टी टू नाइन्टी एम एम एच जी के बीच में होता है हाइपर टेंशन की जो स्टेजेस होती हैं वो इसी ब्लड प्रेशर के फ्लक्चुएशंस की वजह से होती हैं बेसिकली जो हाइपर टेंशन की स्टेजेस होती हैं वो तीन होती हैं फर्स्ट वन है प्री हाइपर टेंशन स्टेज इसमें वन ट्वेंटी टू वन थर्टी नाइन एम एम एच जी जो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होगा और एट्टी टू एटी नाइन एम एम एच जी डायस्टोलिक प्रेशर होगा हाइपर टेंशन स्टेज वन इसमें वन फोर्टी नाइन टू वन फिफ्टी नाइन एम एम एच जी सिस्टोलिक प्रेशर होगा और नाइन्टी टू नाइनटी नाइन एम एम एच जी डायस्टोलिक प्रेशर होगा हाइपर टेंशन स्टेज टू इसमें जो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होगा वो 160 से अबव अब होगा और जो डायस्टोलिक प्रेशर होगा वो 100 एम एम से अबव अब होगा ट्रीटमेंट इन द केस ऑफ हाइपर हम लोग दो तरीके से ट्रीटमेंट देते हैं एक है नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच और एक है फार्माकोलॉजिकल अप्रोच तो नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच में डाइट्री चेंजेस करके स्ट्रेस मैनेजमेंट और एक्सरसाइज करके हम जो हमारा हाई ब्लड प्रेशर है उसको नॉर्मलाइज कर लेते हैं फार्माकोलॉजिकल अप्रोच बेसिकली इसमें हम लोग कुछ मेडिसिन देते हैं जैसे कि एल्फा ब्लॉकर दिए जाते हैं जो कि फ्री ब्लड फ्लो करवाता है बीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं जो कि स्लो डाउन करता है हार्ट बीट को क्योंकि जो वेन्स होती हैं उसमें लेस ब्लड फ्लो आउट करवाता है एल्फ़ा और ब्लीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं ये भी जो हर्ट बीट होती है उसको स्लो करवाने के लिए रिस्पॉन्सबल होते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दिए जाते हैं ये बेसिकली जो कैल्शियम की एंट्री होती है हर्ट मसल में उसको ब्लॉक कर देते हैं और उस वजह से जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो हमारी रिलैक्स हो जाती हैं ए सी टी इन्हीबिटर्स देते हैं बेसिकली ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं इनको रिलैक्स करने के लिए रिस्पॉन्सबल होते हैं कॉम्प्लिकेशंस इन द केस ऑफ़ हाइपरटेंशन अगर बहुत ही ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर राइज़ हो रहा है तो उस वजह से हमें स्ट्रोक कंडीशन भी हो सकती है हार्ट अटैक भी आ सकता है हार्ट फेल्यूर भी हो सकता है हार्ट में थिकनेस कंडीशन भी हो सकती है नैरो द ब्लड वेसल्स इन आइज जो आइज़ होती हैं हमारी उनकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो नैरो हो जाती हैं और जो हमारी किडनी की ब्लड वेसल्स होती हैं वो भी नैरो हो जाती हैं थैंक यू